दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने भीतर के क्षमताओं को विकसित कर पाए तो बुद्ध के अकेले रहने की कला को आपको सीखना होगा। यहाँ पर अकेले रहने का मतलब घर परिवार सगे संबंधी को छोड़ना नहीं है, यहाँ पर अकेले रहने का मतलब कुछ और ही है, जिसे कि हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे और हम ये भी जानेंगे कि इससे हमारे जीवन में क्या क्या लाभ हो सकते हैं। अकेले रहने से व्यक्ति अपनी स्वाभाविक क्षमताओं को विकसित करने का अवसर पाता है और आत्मसमर्थन में सुधार होता है। अकेले रहने में हम जिस तरह के अनुभव पाते हैं, आइए इसे एक कहानी के माध्यम से ठीक से समझते हैं। एक व्यक्ति एक गुरु के पास आया और कहा, गुरुदेव, मेरे दुख का कारण क्या है? गुरु ने उस व्यक्ति से कहा, अपने आप को चीजों से जोड़ लेना, और यहाँ तक कि सिर्फ जोड़ लेना ही नहीं बल्कि अपने आप को चीजों से चिपका लेना, चीजों को पकड़ लेना और उन चीजों के प्रति आसक्त होकर उनके पीछे भागना ही तुम्हारे दुख का कारण है। गुरु की इतनी ही बातें सुनने के बाद उस व्यक्ति ने गुरु को धन्यवाद किया और उनसे कहा, हे गुरुदेव, आपने मेरी समस्या का समाधान कर दिया है। मैं इतने दिनों से अपनी समस्या का समाधान करना चाहता था, आपका धन्यवाद। इतना कहने के बाद वह व्यक्ति वहां पर बिल्कुल भी नहीं रुके, वह तुरंत ही वहां से चले गए। उनके जाते जाते गुरु ने यह भी कहा, अरे रुको, मेरी बात तो पूरी तरह से सुन लो। व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुदेव, आपने मुझे इशारा ही दिया और यही मेरे लिए काफी है। एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए इशारा ही काफी है। मैं आपकी बातों को समझ चुका हूँ, बाकी मुझे आपकी और बातें नहीं सुननी है। और जाते जाते इतना कहकर वह बिल्कुल भी नहीं रुके, वह व्यक्ति वहां से चले गए। ठीक एक महीने के बाद वह व्यक्ति दोबारा गुरु के पास आया और इस बार उनका बहुत ही बुरा हाल था। इस बार वह पहले से और ज्यादा दुखी था। वह व्यक्ति गुरु के पास आया और सीधे उनके चरणों में गिर गया और कहा, हे गुरुदेव, आपने जो कहा था मैंने वैसा ही किया, पर मुझे सुख नहीं मिला बल्कि मैं और दुखों के समुन्द्र में फंसता गया। व्यक्ति की इतनी बातें सुनने के बाद गुरु तो बिल्कुल समझ चुके थे, क्योंकि पहले ही गुरु ने उनसे कहा था कि मेरी बात बिल्कुल पूरी तरह से समझ कर जाओ। लेकिन व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसके भीतर एक अहंकार था, वह अपने आप को बहुत ही बुद्धिमान समझता था। फिर गुरु ने उससे दोबारा कहा, अच्छा बताओ, तुम यहाँ से जाने के बाद तुमने ऐसा क्या किया? व्यक्ति ने कहा, हे गुरुदेव, मुझे अपने परिवार वालों से, अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से बहुत ही दुख मिल रहा था, तो मैंने उन्हें छोड़ दिया और छोड़कर बहुत दूर चला गया। और यहाँ पर आश्चर्य वाली बात ये थी गुरुदेव, कि शुरू के 4-5 दिन मुझे तो बहुत अच्छे लगे, मुझे बहुत ही शांति मिल रही थी। उस वक्त मैंने सोचा कि मैंने बिल्कुल ही सही निर्णय लिया। उस वक्त मैं आपकी बातों को याद कर रहा था कि आपने बिल्कुल सही कहा कि सभी को छोड़ दो, अकेले रहो, चीजों को और सभी को छोड़ दो, उनके प्रति आसक्त होना ही हमारे दुख का कारण है, इसलिए मैंने सभी को छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही सप्ताह बीत गए, मुझे सबकी याद आने लगी, मेरे माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चों की याद आने लगी, यहाँ तक कि मेरे मित्र और रिश्तेदार भी और मेरे शत्रु भी मुझे याद आने लगी। एक सप्ताह के बाद मुझे ऐसा लग रहा था गुरुदेव कि मैं पहले से और ज्यादा दुखी हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा जीना ही बेकार है। मैं इतना दुखी उनके पास रहकर नहीं था जितना कि उनसे दूर रहकर मैं दुखी हूँ। इसलिए आज मैं घर वापस जाने का निर्णय लिया और घर जाते जाते रास्ते में मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपसे दोबारा से मिल लूं। इसलिए आपके पास मैं दोबारा आया हूँ गुरुजी। मेरी दुविधा ये है कि आपने मुझे इतनी गलत सलाह क्यों दी? व्यक्ति की ये बातें सुनकर गुरु मुस्कुराए और फिर कहा, देखो, मेरी बातों को ठीक से समझो। मैंने उस दिन भी तुमसे कहा था कि मेरी पूरी बातें सुनते जाओ, लेकिन तुमने मेरी बातें नहीं सुनी। तुम मेरी अधूरी बातें ही सुनकर वहां से चले गए और तुमने वही गलती की जो मैंने सोचा था। तुम परिवार को छोड़कर भागे, मित्रों को, रिश्तेदारों को, यहाँ तक कि अपने शत्रुओं को भी छोड़कर भागे, पर तुम्हारी यही गलती थी कि तुम उन्हें छोड़कर भाग रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम उन्हें लेकर भाग रहे हो। गुरु की बातें सुनकर व्यक्ति बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। व्यक्ति ने फिर कहा, पर गुरुदेव, मैंने तो किसी को अपने साथ नहीं लाया हूँ। गुरु ने कहा, जो चीजें हमें दुख देती है वह कहीं बाहर नहीं होती, यहाँ तक कि जो हमें सुख देती है वह भी बाहर नहीं होती। यह जो तुम कहते हो कि यह मेरा परिवार है, मेरा मित्र है, मेरा शत्रु है, मेरे रिश्तेदार है, ये सभी कुछ तुम्हारे मन में बसते हैं। और जब तुम भागे ही हो तो तुम अपने मन को साथ लेकर भागे, और ये सभी सगे संबंधी तुम्हारे मन में है, ये तो तुम्हारे मन में बसे हैं, ये तुमसे दूर कहाँ गए, ये तो तुम्हारे साथ में ही है। भले ही तुम अभी अकेले मेरे पास आए हो, लेकिन तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे सभी रिश्तेदार और शत्रु आए हैं। जब जो चीजें मन में बसी हो वह आसपास हो तो वह दुख देती है। मेरा कहने का मतलब है कि जो चीजें तुम्हारे पास है, तुम्हारे साथ है, वह चीजें तुम्हें कम लगती है और उसी कम की वजह से तुम्हें दुख होता है। जब हम इन चीजों को छोड़ देते हैं, यानी कि इन चीजों से दूर हो जाते हैं, तो हमारा मन ही उन चीजों को पाने के लिए फिर से प्रयास करने लगता है। उस वक्त यही चीजें हमें ज्यादा दुख देती है।
जैसे तुम अभी दुखी हो रहे हो, तुम इन चीजों को पाने का प्रयास कर रहे हो और यह सभी काम तुम्हारा मन तुमसे करवा रहा है। व्यक्ति ने फिर कहा, पर गुरुदेव मैं क्या करूं, चीजों के साथ रहूं या चीजों को छोड़कर जाऊं? अगर मैं चीजों को साथ रखता हूं तो मैं दुख पाता हूं, और अगर मैं चीजों को छोड़कर जाता हूं फिर भी मैं दुख पाता हूं, तो क्या सिर्फ मैं दुख उठाने के लिए जन्म लिया हूं? व्यक्ति की बातें सुनने के बाद गुरु जोर से हंसे और कहा, यह बात बिल्कुल सत्य है। यहां पर सिर्फ तुम दुख उठाने के लिए ही जन्म लेते हो, पर यह भी सत्य है कि दुखों के पार सुख है और उन सुख के पार दुख है। यानी कि सुख है दुख है दोनों है, लेकिन जिसमें सुख नजर आता है वह दुख देती है, और जिसमें दुख नजर आता है वही सुख का कारण बन जाती है, और यही परम सत्य है। उस व्यक्ति ने फिर कहा, पर गुरुदेव क्या इस सुख दुख के माया जाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? गुरु ने कहा, रास्ता तो है। अगर तुम इस दुनिया में रहना चाहते हो, अपने घर परिवार सगे संबंधियों के साथ रहना चाहते हो, यानी कि इन सभी के साथ रहना चाहते हो, तो तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हें इस दुनिया में ऐसे रहना होगा जैसे कि तुम इस दुनिया में तो हो लेकिन इस दुनिया में नहीं हो। मतलब तुम इस दुनिया में तो हो लेकिन अकेले हो, सबके साथ हो फिर भी अकेले हो। व्यक्ति ने कहा, क्या गुरुदेव आप कैसी बातें करते हैं, ये कैसे हो सकता है? फिर गुरु कहते हैं, तुम्हारी बात भी बिल्कुल सही है, तुम आधुनिक जमाने के लोग हो, जिज्ञासा तो होनी ही चाहिए, तुम्हारी ये जिज्ञासा को भी मैं दूर करूंगा। फिर गुरु उस व्यक्ति को एक जगह पर ले गए जहाँ पर एक मेला लगा था, बहुत ही भीड़ थी। गुरु ने कहा, देखो बेटे अपने आसपास किसी को जानते हो? व्यक्ति ने कहा, नहीं यहाँ तो कोई भी जान पहचान वाला नहीं है। गुरु फिर कहे, क्या तुम यहाँ अकेले हो? तो व्यक्ति ने कहा, हाँ गुरुदेव मैं बिल्कुल अकेला हूँ, यहाँ तो लोग बहुत से हैं लेकिन फिर भी मैं अकेला हूँ। गुरु ने कहा, नहीं तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है, तुम अकेले नहीं हो। व्यक्ति ने कहा, हाँ गुरुदेव मेरे मन में मेरे घर वालों के विचार चल रहे हैं, मैं अपने सगे संबंधियों मित्रों और घर वालों के बारे में सोच रहा हूँ, मैं जल्द से जल्द अपने घर जाना चाहता हूँ, अपने घर वालों से अपने मित्रों से मिलना चाहता हूँ, वही मेरे दिमाग में लगातार चल रहे हैं। गुरु ने कहा, अब मेरी एक बात मानो, यह सभी कुछ तुम भूलकर आंखें बंद कर लो और अपना ध्यान यहाँ पर होने वाली आवाजों पर लगाओ, यहाँ पर होने वाली शोरगुल पर लगाओ। व्यक्ति ने ऐसा ही किया। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें बंद की और सारा ध्यान मेले पर हो रही आवाजों पर लगा दी, तब उसे एक अकेलापन एकांत महसूस हुआ। उसे ऐसा लग रहा था कि वह इतनी भीड़ में भी बिल्कुल अकेला है। सभी आवाजों के ऊपर ध्यान लगाने के कारण ही किसी आवाज का कोई भी महत्व नहीं था, बस आवाजें थी और वह था। फिर व्यक्ति ने अपनी आंखें खोली और कहा, गुरुदेव यहाँ तो मैं बिल्कुल अकेला हूँ, सब कुछ है पर कुछ भी नहीं है। गुरु ने कहा, बस इसी तरह अकेला होना है, तुम भी रहो सबके साथ रहो, किसी को तुम्हें छोड़ना नहीं है लेकिन भीतर से अकेले रहना है, साथ में सब हो पर तुम्हारे मन में कोई भी ना हो। जिसने इस तरह से जीना सीख लिया उसे दुख नहीं होती, उसे दुनिया की कोई भी चीजें कैसी भी घटनाएं आए कैसी भी परिस्थितियां आए उसे दुख नहीं दे पाती है, क्योंकि जो भी घटनाएं जो भी परिस्थितियां हमारे जीवन में आती है वे सभी चीजें हमारी बाहरी परिस्थितियां होती है, लेकिन हम तो भीतर से अकेला है भीतर से शांत है, इसलिए हमें कोई भी घटनाएं कोई भी विपरीत परिस्थितियां हिला नहीं पाती है, दुख नहीं दे पाती, और हम हर चीजों में हर परिस्थितियों में आनंद की प्राप्ति कर लेते हैं। अब वह व्यक्ति गुरु की बातों को समझ चुका था और वह वापस घर चला गया। मित्रों इस कहानी से हम यही समझे कि जिन चीजों को हम पाना चाहते हैं वह तब तक हमें दुख देती है जब तक कि हम उन चीजों को ना पा ले, लेकिन जैसे ही हम उन चीजों को पा लेते हैं तब भी वह फिर से दुख देती है कि वह चीजें कहीं हमसे छूट ना जाए, और जब वह हमसे छूट जाती है तब फिर से वह हमें दुख देती है, और उस वक्त उनके जाने का दुख बहुत ही गहरा होता है। यानी कि जीवन भर हम चीजों को पकड़ते रहते हैं, फिर एक चीज को पकड़े फिर दूसरी चीजों को पकड़ते रहते हैं, दूसरे के बाद तीसरी चीजों को पकड़ते हैं, और इसी वजह से इसी संघर्ष में हम दुख पाते रहते हैं, और जो चीजों को हमने पकड़ भी लिया वो चीजों को हम छोड़ते भी है और उस वजह से भी हम दुख पाते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि हम तो सुख को पकड़ रहे हैं लेकिन वही सुख तात्क्षणिक सुख होती है, और वही तात्क्षणिक सुख की वजह से हम लगातार दुखी होते रहते हैं। यानी कि हम सुख को पकड़ते हुए दुख को पकड़ते चलते हैं, हम सुख की तलाश करते करते दुख में जाते रहते हैं। और जिसने अकेला रहना सीख लिया वो अपने जीवन में अपने परिवार में अपने समाज में सब कुछ करते हुए आनंद की प्राप्ति करता है, वो हमेशा आनंदमय रहता है, वो अपने जीवन में सारे कार्यों को पूरा करते हुए हमेशा सुख से जीता है आनंद में जीता है, यही हमारे जीवन जीने का सही तरीका है। अगर इस तरह से जीवन हम अपनी जिंदगी में जी लिए, अगर इस तरह से हम अकेला रहना सीख लिए, तो इससे हमारे भीतर एक स्वतंत्रता आती है, हमें अपने निर्णयों को लेने में स्वतंत्रता मिलती है,
और ये हमें स्वाधीनता का अनुभव करने का मौका देता है, इससे हमारे भीतर आंतरिक शांति भी आती है। मित्रों, वीडियो कैसे लगे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्या पता आपका एक कमेंट किसी का जीवन बदल दे। और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आप मेरे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशंस आसानी से पा सके। धन्यवाद।